बाबू श्याम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम खाटू श्याम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। भारतवर्ष में एक प्रदेश है भक्तों राजस्थान, सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावन धाम। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, मुँह मांगी सब अपनी मुरादें इनसे पाते हैं। श्याम धड़ी कहता कोई इनको तीन बाण धारी, कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं अवतारी। क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया, खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया। श्याम के नाम से इसीलिए ये पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार, ये खाटू का सरकार करे भक्तों का उद्धार। श्याम की यूं तो भक्तों कथा बड़ी प्राचीन, धर्म युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में है पांडवों काली। भीम हिडिंबा दोनों ने आपस में ब्याह रचाया, वीर घटोत्कच नाम का पुत्र फिर दोनों ने पाया। वीर घटोत्कच की ही बनकर आए ये संतान, पिता ने शुभ मुहूर्त में दिया बरबरिक नाम। बरबरिक भी अपने पिता सम हुए बड़े बलवान, करके कठिन तप देवी माँ से तीन लिए हैं बाण। ऐसे बाण जो लक्ष्य भेद वापिस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। बरबरिक की इच्छा बड़ी हुई, युद्ध देखने की मनसा से वो है चले आए। अपने तुनीर में तीन बाण भी संग में वो लाए। कृष्णा जी ने देखा कौन योद्धा आया है, ना कोई सेना तीन बाण बस साथ में लाया है। कृष्णा जी फिर उस योद्धा का भेद जानने आए, वीर पुरुष तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए। अपने
परिचय बर्बरिक फिर उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार तेरे भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार तेरे भक्तों का उद्धार। कहने लगे वैसे तो मैं ये युद्ध देखने आया, पड़े जरूरत इसीलिए संग तीन बाण मैं लाया। कृष्णा जी लगे पूछन किसका साथ निभाओगे, तीन बाण से युद्ध भला कैसे कर पाओगे। बर्बरी कहे इन बाणों पर करना ना शंका, एक बाण से भेदूं लक्ष्य तुम कह दो जिनका। एक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आए, बोले के इसके पत्तों को भेद के दो दिखलाए। एक पत्ता वो अपने पाँव तले दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। बर्बरिक ने छोड़ा बाण फिर जप करके एक मंत्र, सारे पीपल के पत्तों का आया वो बांध कर। कृष्णा जी के पाँव में जैसे ही बाण आया, बर्बरिक ने कृष्णा जी को फिर है चेताया। है ब्राह्मण तू इस पत्ते से लो अब पाँव हटा, बर्बरिक के बाण ने तो पत्ता भी भेद दिया। कृष्णा जी बोले योद्धा हो आप तो बड़े महान, मैं हूँ निर्धन ब्राह्मण कुछ मुझको दे दो तुम दान। दान शीश का बर्बरिक से फिर वो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार करे भक्तों का उद्धार। बर्बरिक भी वचनों में घिर आया, बोले दान शीश का भगवन मैं तो कर दूंगा, लेकिन इच्छा है मेरी युद्ध पूरा देखूंगा। अपने वचन को बर्बरिक ने पूरा फिर तो किया, फागुन शुक्ल द्वादशी को शीश का दान दिया। कृष्णा जी ने खुश होकर फिर दिया उन्हें वरदान, मेरे नाम से होगा पूजन अमर रहे तेरा नाम। शीश के दानी इसीलिए तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू
देखना चाहा। ऊंचे स्थान पे कृष्णा जी ने उनका शीस बधाया। फिर तो दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ भारी। रहा देखता बर्बरीक सबको बारी बारी। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में युद्ध है घोर हुआ। हुई अधर्म की विजय, धर्म का फिर से जीत हुआ। विजयी हुए हैं पांडव, वो तो जीत का जश्न मनाए। बर्बर क्या देखा तुमने, फिर तो पूछने आए। देख कृष्णा जी को बर्बरिक फिर मुस्काते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। कहे युधिष्ठिर, ये युद्ध तो है मैंने जितवाया। भीम कहे, मेरी गदा के आगे कोई टिक ना पाया। अर्जुन बोले, कौन भला है मुझसा धनुधारी। नकुल सहदेव करे बड़ाई खुद की बारी बारी। सुनकर बोले बर्बरिक, मैंने सब देखा है। करते हो अभिमान जो खुद पर, वो सब मिथ्या है। इस युद्ध में बस कृष्णा जी का चला सुदर्शन चक्र। काली रूप में द्रौपदी को देखा मैंने भरते खप्पर। इतना सुनकर पांडव सारे चुप हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। होकर अपना अवतार बताया। नीले घोड़े पर सवार होकर ये आए थे। नीले घोड़े वाले ये इसीलिए कहाए थे। बोले कृष्णा, कलयुग में होगा तेरा वा। अपने भक्तों के सब दुख पल में कर दोगे ना। खाटू नगरी में हो तेरा धाम। मेरे नाम से भक्त तुम्हें बोलेंगे खाटू श्याम। इसीलिए मेरे बाबा खाटू श्याम कहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, शीश के दाने खाटू वाले श्याम कहते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का। खाटू की सरकार श्याम धड़ी अपने भक्तों में खुशियां रहे हैं बांट। ये चाहे तो निर्धन के भी लग।
लग जाते हैं ठाट। हंस राज रिलहन तेरे दर पे शीश झुकाता है, डीएस पाल बड़ी श्रद्धा से महिमा तेरी गाता है, फौज सुरेश को है बाबा दे ना इतना वरदान, करता रहूं गुड़ गाने सदा बस इतना हो जाएगा, मूरख ज्ञानी बन जाए घर आप जो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार।